भाई ये लोग हेलो अभिषेक को गलत समझ रहे हैं. एग्जैक्टली एक सेकंड लगाया भाई उसको जज हेलो करने में. कैसा? भाई एल्विश यादव बिग बॉस में है, क्या लगता है आपको भाई जीत पाएगा? और ये भी बताओ एल्विश आपको कैसा लगता है भाई? एल्विश बिग बॉस जीत पाएगा? जीतेगा तो देखो यूट्यूबर्स में से ही कोई, अभिषेक या फुक उसमें से, एल्विश में से, और हाँ भाई मैं वही. और बाकी कैसा लगता है भाई? बढ़िया लगता है यार, मेरे को तो सब सब बढ़िया लगते हैं. मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं सबसे प्यार से रहता हूँ. मेरे लिए सारे यूट्यूबर्स भाई बंधु जैसे हैं. कुछ को छोड़ के नहीं, सबको भाई भाई बहन नहीं बना सकता ना मैं. माँ कर लिए सकते हैं. देखो मेरी बात समझो, पहले ना इट वॉज अ वन मैन शो ओनली, ठीक है? क्योंकि बहुत क्लियरली अभिषेक जीत रहा था, बिग बॉस वालों को भी पता था, एंड इसीलिए वो समझदार है. वो एल्विश को इसीलिए लेकर आए कि एक और यूट्यूबर, पॉपुलर यूट्यूबर, तो ताकि कंपटीशन तो मिले अभिषेक के लिए कोई. तो सिंपल सी बात है कि भाई बिग बॉस को भी अपना शो चलाना है, वो भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ करी है कि वो एल्विश को लेकर आए हैं. एंड जहाँ तक बात रही, आगे भी इसने पूछा है, अगले सीजन में आपको और कैरी को बुलाएंगे तो आप खुद का कचड़ा करने जाओगे? आई मीन वॉट काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुली स्टूपिड क्वेश्चन इज दैट? पहली बात तो बिग बॉस ने मेरे को बुला भी लिया तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है? एंड अगर जाऊंगा भी तो भाई ये क्या बात होती है, अपना कचड़ा करने जाओगे भाई? ठीक है, वेरी नाइस आदित्य विक्रम शर्मा, यू आर सच अ नाइस गाय, योर फ्रेंड्स वुड बी सो हैप्पी तेरे जैसा दोस्त पाके.